हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इंडिया और बांग्लादेश के बीच होने वाले एशिया कप 2023 के सुपर फोर मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम के अंदर 15 सितंबर को दोपहर के 3 बजे से। और इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के ऊपर। अगर मैं आपसे बात करता हूं पिच रिपोर्ट के बारे में, तो मुझे फिर एक बार लगता है जो स्पिनर्स है ना, उनका पलड़ा भारी रहने वाला है इस मैदान के ऊपर। ये बात हमको क्लियर दिख गई कि सेकंड इनिंग्स में यहाँ पे बल्लेबाजी करना आसान बिल्कुल भी नहीं है। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी ना, पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी इस मुकाबले के अंदर। सबसे पहले मैं बात करता हूं टीम इंडिया के बारे में, तो टीम इंडिया ऑलरेडी संडे के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। तो ये जो मुकाबला है ना, यहाँ वो बस अपने फॉर्म को कंटिन्यू रखना चाहेंगे। टीम ने पाकिस्तान को भी हरा दिया, टीम ने श्रीलंका को भी हरा दिया, तो बांग्लादेश को हराना इतना मुश्किल टास्क होने नहीं वाला हमारी टीम के लिए। अब देखो, बड़ी बात यह है ना कि इस मुकाबले में चांस है टीम के पास कि जिन प्लेयर्स को मौका नहीं मिला, आप उनको चांस दे सकते हो इस मुकाबले के अंदर। बल्लेबाजी के अंदर केएल राहुल जो है वो इंजरी के बाद खुद की फॉर्म को प्रूफ कर चुके हैं, तो उनकी जगह आप इस मुकाबले के अंदर सूर्य कुमार यादव को एक मौका दे सकते हो। सूर्य अपॉर्चुनिटी डिजर्व भी करते हैं, हमारी वर्ल्ड कप टीम का ये पार्ट है। अगर वो भी कुछ रन मार लेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस काफी अच्छा हो सकता है। साथ ही के अंदर आप चाहो तो शुभमन गिल को भी इस मुकाबले के अंदर आराम दे सकते हो, ईशान आपके लिए ओपन कर सकते हैं। और श्रेयस अय्यर का बाय चांस फिट हो चुके हैं, आप अय्यर को टीम में लाओ। अय्यर ने केवल एक ही मुकाबला खेला है, तो उनका मुकाबला खेला भी काफी इंपॉर्टेंट होगा टीम इंडिया के लिए। जसप्रीत बुमराह पिछले मुकाबले के अंदर इंजर्ड हो गए थे, थोड़ी उनको लगी थी पांव में चोट। बुमराह पे आप रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहोगे, तो उनकी जगह पे आप मोहम्मद शमी को इस मुकाबले के अंदर मौका दे सकते हो। तो एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि जो प्लेयर्स अभी बेंच के ऊपर बैठे हैं, आप उनको ये मुकाबला खिलाओ, और जो बाकी के प्लेयर्स हैं आप उनको संडे के लिए रेस्ट दे सकते हो। रोहित शर्मा ने इस टीम के लिए लगातार रन बनाए हैं, विराट कोहली ने पिछले मुकाबले के अंदर सेंचुरी मारी, तो ये काफी अच्छी बात है हमारी टीम्स के लिए। इवन हार्दिक पंड्या जिन पे इतना लोड पड़ता है बॉडी पे, बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, आप उनकी जगह इस मुकाबले के अंदर शार्दुल ठाकुर का मौका दे सकते हो। थोड़ी बल्लेबाजी कॉम्प्रोमाइज होगी, लेकिन अक्षर पटेल नंबर 7 पे बैटिंग कर सकते हैं, शार्दुल नंबर 8 पे बल्लेबाजी कर सकते हैं, हार्दिक को भी रेस्ट की जरूरत है। तो इंडियन टीम के लिए खोने को कुछ भी नहीं है इस मुकाबले के अंदर, वो क्वालिफाई कर चुके हैं फाइनल के लिए। मेरे हिसाब से ये वो ऐसा मुकाबला होना चाहिए जहां पे बाकी के प्लेयर्स को मौका दो और जो आपके बड़े प्लेयर्स उनको रेस्ट दो फाइनल मुकाबले के लिए। अब मैं आपसे बात करता हूं बांग्लादेश की टीम के बारे में। तो टूर्नामेंट से पहले लग रहा था मुझे कि बांग्लादेश के पास एक काफी डिसेंट टीम है, लेकिन सुपर फोर के अंदर वो बिल्कुल अच्छा कर नहीं पाए और वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। मैंने आपको काफी बार बताया कि इस टीम की जो बल्लेबाजी वो काफी मेरे को कमजोर लगती है, और इस मुकाबले के अंदर तो मुशफिक और रहीम भी नहीं खेलेंगे, उनको सेकेंड चाइल्ड होने वाला है, इस वजह से इधर वो रेस्ट करने वाले हैं, तो बैटिंग और कमजोर हो जाएगी इस मुकाबले के अंदर बांग्लादेश की टीम की। मतलब मेहदी हसन मिराज को इस टीम के लिए ओपन करना पड़ रहा है, पता लगता है कि बैटिंग में कितनी ज्यादा दिक्कतें हैं इस टीम के पास। लिटॉन दास और शाकिब अल हसन फिर एक बार ये दोनों इस मुकाबले में टीम की बैटिंग को लीड करेंगे, दोनों काफी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, जरूर से अच्छा करना चाहेंगे। हृदय ने पिछले मुकाबले के अंदर काफी अच्छी बल्लेबाजी करी थी, तो फिर एक बार मिडिल ऑर्डर के अंदर उनके ऊपर सभी की निगाह होने वाली है। बाकी मोहम्मद नईम इस टीम के अंदर है, आपके लिए हसन मिराज जो है वो आपके लिए ओपन कर रहे हैं, तो ये लोग भी डिसेंट कर सकते हैं, पर बैटिंग एक काफी दिक्कत की बात है बांग्लादेश के लिए। देखने वाली बात होगी यहां वो क्या कर पाएंगे, लेकिन जो स्पिन बॉलिंग है वो इस टीम का सबसे अच्छी बात है। शाकिब अल हसन आपके अच्छे स्पिनर है, मेहदी हसन मिराज एक काफी अच्छे स्पिनर आपके पास, और इस मैदान पे इन दोनों को हेल्प मिलने वाला है। जो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर मुकाबले खेले वो फ्लैट पिच थी, यहां पे पिच फ्लैट नहीं होने वाली, तो ये दोनों स्पिनर इस मुकाबले के अंदर अच्छा कर सकते हैं। तेज गेंदबाजी में तस्कीन अहमद का ऑप्शन है, शरीफुल इस्लाम का आपके पास ऑप्शन होता है, हसन महमूद का ऑप्शन है, तो गेंदबाजी में कोई दिक्कत नहीं है बांग्लादेश के पास, पर बैटिंग जो है ना बांग्लादेशी में वो काफी ज्यादा कमजोर लगती है। कमेंट करके आप बताओ मुकाबला कौन जीतेगा, वो टीम होगी इंडिया, वो टीम होगी बांग्लादेश, बताओ मुझे कमेंट करके। मेरे हिसाब से तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया का पलड़ा भारी रहेगा इस मुकाबले के अंदर और वो जीतना चाहेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को इस तरह वीडियोस देखने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।